सो हेलो एवरीवन यार, आज की वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की वीडियो होने वाली है भाई हमारा टॉपिक बेस्ट कैलकुलेटर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो अगर यार तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या आगे चल के बनने वाले हो या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, तो भाई ये एक ऐसा यंत्र है ना जिसके बिना यार तुम्हारे एग्जाम्स अधूरे हैं। ठीक है, इसको कहते क्या है, इसको कैलकुलेटर कहते हैं। बट ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो यार तुम इसका थोड़ा लेआउट देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हम इसे कहते हैं और ये बहुत यूज में आएगा यार अगर तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो। तो यार ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि अगर तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और तुम्हें कैलकुलेटर लेना है तो कौन सा कैलकुलेटर तुम्हें लेना होगा। तो पहले तो यार मैं तुम्हें दो क्राइटेरिया बता देता हूँ जो कैलकुलेटर होना ही चाहिए। पहला यार वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, एक रेगुलर कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दो टाइप के कैलकुलेटर आते हैं, एक प्रोग्रामेबल होते हैं एक नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं। तो मैं नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर लेना है। ठीक है, प्रोग्रामेबल वाला नहीं लेना है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर लेना है। और तीसरा यार मैं तुम्हें बता देता हूँ ये भी है यार, ठीक है, कैशियो ब्रांड का लेना। ठीक है, 99% लोग कैशियो ब्रांड का लेते हैं। तुम ये मत सोचना यार तुम नेट पे देखोगे कोई कहेगा यार इसमें एक आधा फीचर ऊपर नीचे है, ठीक है तुम वो ले लो, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता है। कैशियो ब्रांड का लेना, थोड़ा भी अलग ले लोगे तुम्हें बाद में कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि तुम्हारा प्रोफेसर कह दे कि भाई ये बेकार है ये नहीं चलेगा दूसरा खरीद के लाओ, तो तब तुम्हें रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने कौन सा कैलकुलेटर लिया है। तो मैंने वही कैलकुलेटर लिया है जो सब बच्चे लेते हैं, और तुम अगर मार्केट जाओगे तो मार्केट में भी तुम्हें यही कैलकुलेटर मिलेगा। वो है यार कैशियो का FX991MS। ठीक है, तो ये इसका मॉडल नेम है। ठीक है, अब मैं इसका लेआउट तुम्हें पहले दिखा देता हूँ, पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, एक कैलकुलेटर यार ये वाले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में लगा रखे होगा मैंने। ठीक है, ये होते हैं यार वो जो गले पे यूज होता है, तुमने देखा होगा। ठीक है, बड़ा सा स्क्वायर वाला होता है, ये तुम्हें यार 400-500 का मिल जाएगा। तुम सोचोगे यार सस्ते में मिल रहा है ये उठा लेते हैं, ये मत उठाना, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फीचर्स इसमें भी बहुत होते हैं, बट जो इंजीनियरिंग में फीचर्स चाहिए होते हैं ना वो एक लेवल ऊपर होते हैं। ठीक है, उनमें इक्वेशन सॉल्व होना, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारी हो रही होती हैं। तो वो कैलकुलेटर अलग होते हैं, वो होते हैं ये कैलकुलेटर। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा इसके बारे में दिखाता हूँ। देखो ये इसमें यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये एक ही बटन में यार तीन तीन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कैलकुलेटर यूज होते हैं इंजीनियरिंग में। तो बेसिकली यार ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, मैं तुम्हें बता दूं कौन सा कैलकुलेटर यूज होता है। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर लेना है प्रोग्रामेबल नहीं लेना है, नॉन प्रोग्रामेबल लेना है, साइंटिफिक लेना है, कैशियो ब्रांड का ही प्रेफर करना। मुझे भाई पैसे नहीं दिए किसी ब्रांड ने, कैशियो का ही लेते हैं। अपने कॉलेज सीनियर से भी यार एक बार कंसर्न कर लेना, वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि कैशियो का लो। और कोशिश करना यार अगर तुम्हारे कोई पास आउट दोस्त भाई बहन है तो उनसे मांग लेना, ठीक है, उनके पास क्या पता पड़ा हो सकता है। ठीक है, और मॉडल यार यही रहता है हर कॉलेज में। तुम सोचोगे यार कुछ अलग सा मॉडल ले लेता हूँ इसमें फीचर वीचर ज्यादा है, मत करना, वो बेवकूफी, रिजेक्ट हो जाएगा, यही वाला लेना। ठीक है, कैशियो FX991MS मिलेगा कहाँ, जिस भी कॉलेज में पढ़े उसकी मार्केट में मिल जाएगा, या ऑनलाइन मंगा लो, ठीक है, वो बेस्ट रहता है। मैंने खुद ऑनलाइन मंगाया था अमेज़न से, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें भी लिंक दे दूंगा। अराउंड 900-1000 रुपए के बीच में तुम्हें मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही खरीद लेना, क्योंकि मान लो एग्जाम के लास्ट डे तुम्हें याद आया तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है, फिर दूसरी ब्रांच वालों से मांगते फिरोगे और कॉलेज में नहीं देते। भाई कॉलेज में मैं तुम्हें भी कहूंगा अपना कैलकुलेटर किसी को मत देना, ठीक है, दानवीर मत बनना। कॉलेज में क्या होता है तुम कैलकुलेटर देते हो फिर बाद में बंदा कह देता है यार खो गया, तुम उससे पैसे मांगोगे, कोई पैसे वैसे तुम्हारे देगा नहीं। और दूसरा यार चोरी बहुत हो जाते हैं, ठीक है, ये तो तुम्हारा रूम खुला होगा, कोई देखेगा यार इसके रूम पे कैलकुलेटर है, उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यार कैलकुलेटर में दो तीन चीजें करना, पहले तो यार छुपा के रखना, दूसरा यार अपना नाम वाम लिख देना, ठीक है, यहाँ नाम लिख देना, यहाँ नाम लिख देना, अंदर कुछ यार साइन भी बना देना, ठीक है, छुपा के। और जब पेपर देने जाओगे तब यार उसको बहुत संभाल के रखना, ठीक है, अपनी जेब में रखे रहना, जब यूज करो तभी निकालना और बाकी जेब में डालना। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में जाते हैं कैलकुलेटर भूल आते हैं, 1000 रुपए का नुकसान हो जाता है, बाद में कोई उठा देता है। ठीक है, और यार दो तीन चीजें मैं इस फीचर्स बता देता हूँ कैलकुलेटर की। ठीक है, तो इस टाइप का कैलकुलेटर होता है, ये यहाँ से खुलता है, ये इसका स्टैंड है, सोलर से चार्ज होता है, इसमें बैटरी होती नहीं है। बाकी यार इसका रिव्यू वगैरह हम कभी बाद में बनाएंगे, रिव्यू मतलब एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि यार वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 15-20 मिनट की हो जाएगी, एक एक फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा उसमें। ठीक है, तो ये देखो यार ये कैलकुलेटर होता है, ये बेसिक कैलकुलेटर है, सोलर से चार्ज हो जाता है यार, नॉर्मल ऑन ऑफ फीचर्स होते हैं। बाकी पीछे इसमें यार सारे यूनिट कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं, पीछे यार कैशियो की ब्रांडिंग होती है, यही होता है भाई, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक कैलकुलेटर है। ठीक है, ये तुम डेफिनेटली लेना अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। तुम्हें यार बता दिया मैंने चिल्ला चिल्ला के, एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, बट हाँ यार जरूरी था ये वीडियो लाना, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, एक बार पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, बट स्टिल फिर से
तो यार आई होप तुम्हें यार ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कैलकुलेटर पे जो मैंने बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि कौन सा बेस्ट कैलकुलेटर रहता है इंजीनियरिंग के लिए। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए यार कॉलेज टिप्स एंड ट्रिक्स पे, टेक से रिलेटेड या कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, कॉलेज हैक्स से रिलेटेड, तो यार तो मुझे कमेंट करके बताओ किस टॉपिक्स पे चाहिए। और वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, 100 लाइक का टारगेट रखेंगे इस वीडियो पे, और कैलकुलेटर खरीदना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट।